अतुलित बल धामम हेम शैलापदेयम धनुज मन किसानम ज्ञान नाम ग्रहणम सकल गुण निधानम बानराणाम उदीसम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। जय सियाराम, जय सियाराम, जय सियाराम। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। वाह, यानी हनुमान जी की आराधना करने वाले को, यानी कि हनुमान जी का जो भक्त होता है, जो भी उसका मनोरथ होता है वो पूर्ण होता है, जो भी उसके चिंतन में आता है सब पूर्ण हो जाता है। और इस वक्त एक बड़े ही प्राचीन मंदिर में हम उपस्थित हैं, और ये मंदिर दिल्ली का जो लोनी बॉर्डर है, गोल चक्कर पे ये मंदिर अवस्थित है। और जो मुझे जानकारी मिली है, ये 100 साल से भी ज़्यादा, यानी सन 1900 से पहले का मंदिर है। पहले का मंदिर है जी। और इस वक्त हमारे सामने उपस्थित है पंडित, मैं पंडित ओम प्रकाश शर्मा, ओम प्रकाश शर्मा जी हरदेनिया, हरदेनिया। हाँ, और जो पंडित जी हैं ग्वालियर, ग्वालियर से, राजघराने से ताल्लुक है, ताल्लुक है, यानी जो जो पुरोहित हुआ करते थे। हाँ, उस घराने से आप आते हैं। हाँ, जी जी जी। हाँ, पंडित जी सबसे पहले हनुमान जी की शरण में जाने के बाद तो सब सुख मिल जाता है। हाँ, पहले हम जानेंगे कि इस मंदिर की महिमा क्या है। ये मंदिर, इसकी महिमा इतनी है कि दूर दूर से लोग आते हैं, काफी लोगों के बहुत काम होते हैं यहाँ, मनोवांछित काम होते हैं यहाँ। जो सात मंगल दर्शन करता है, यहाँ अर्जी लगाता है तो काम होते हैं। दूसरी बात ये है कि आज़ादी से बहुत पहले का मंदिर है। तीसरी बात ये है कि हमारे पिताश्री पंडित देवी प्रसाद सुभाष चंद्र बोस की फौज में थे। अच्छा, वहाँ जब भगदड़ पड़ी, मारकाट बड़ी, तो वहाँ से भाग करके आए, तो घर गए, तो घर भी लोगों ने बहका दिया। ये आज़ादी से पहले की बात है। तो वहाँ बोले कि यहाँ से तुम्हें पुलिस पकड़ ले जाएगी, ये वो होगा। तो भागते फिरे, हरिद्वार रहे, भागते भागते यहाँ आ गए। जब ये बियाबान जंगल था, आज से 70 साल पहले करीब है, बियाबान जंगल था, 50 से आसपास की बात है। तो यहाँ पर आके वो पड़े रहे। किस लिए कि अपने को उन अंग्रेजों से और सेना से बचाना, क्योंकि वो भागे आए थे, भगदड़ पड़ गया तो भागे आए थे। और वहाँ उन्होंने यहाँ पर परमात्मा को मनाया, यहीं पड़े रहते थे, न कोई खाना पीना कुछ आ गया, कोई दे गया तो खा लिया, बाकी कोई ऐसा दिन में ट्रैफिक नहीं चलता था। तो उन पिताश्री ने, पंडित देवी प्रसाद जी ने, स्वर्गीय ने, उनकी मूर्ति लगाई हुई है उधर, उन्होंने इस मंदिर को जगाया है, उन्होंने सिद्ध किया। गांव का प्राचीनतम मंदिर है इस क्षेत्र का। अच्छा, महिमा का ये है कि बड़ी दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी अर्जी लगती है और उनके काम होते हैं। और हनुमान जी की महिमा देखिए, छाती फाड़ के दिखा दिया है। किस बात के ऊपर? जरा सी बात के ऊपर कि भगवान ही इसकी महिमा, बोले आप तो मेरे हृदय में बसते हैं। अब ऐसे भगवान की महिमा, कोई ठीक है कितना ही भक्त हो, कितना ही बड़ा विद्वान हो, बाकी परमात्मा की महिमा असीमित है। कहा कहूँ हरे नाम बढ़ाई, और राम न सके ना, परमात्मा स्वयं अपने नाम की महिमा नहीं कर सकते हैं। तो हनुमान जी ने तो अपनी महिमा का प्रत्यक्ष प्रमाण राम जी को दिया कि जब उन्होंने छाती फाड़ के दिखा दिया, आप तो मेरे हृदय में बसते हैं। तो बाबा, पहली बात तो ये मैं कहता हूँ कि ये मेरे हृदय में बसते हैं, मेरे को 60 साल से ऊपर हो गया यहाँ, और मैं तन मन धन से विरक्त होकर के इनकी चरणों में पड़ा रहता हूँ। और मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। वैसे अधिकतर एक टाइम हम रोटी भोजन करते हैं, सुबह दूध और वर्ष फल लेके रहना। जी जी पंडित जी, बिल्कुल आपने सही कहा। तुलसीदास जी ने लिखा भी है कि यम कुबेर दिक्पाल जहाते, कवि कोविद कहे सके कहाँ से। बहुत अच्छा, तुम उपकार सुग्रीव है किन्हा, और राम मिलाए राज पर दिन्हा। यानी कि सहस्त्र शेष नाग भी नहीं, सहस्त्र मुखों से बहुत अच्छी बात कही हनुमान जी का। कभी वगैरह में कुबेर भी ये भी नहीं इनकी महिमा का वर्णन कर सकते, ये तो इनके लेखों में विद्वान में देखिए आप। हनुमान जी ने जी बाल समय रवि भच्छ लियो, अरे सूरन को मुंह में दे लिया, एक बहुत बड़ी महिमा है। जी जी जी। तो पंडित जी आप ये बताएं कि हनुमान जी को शीघ्र प्रसन्न करने के लिए व्यक्ति क्या करे। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। देखो, यथा प्रवृत्ति भूतानाम येन सर्वम इदम ततम स्वकर्मणाम, अपने कर्मों में भगवान की भक्ति के लिए पहले
उसके सिद्धांत तो कई हैं, पवित्र हो, नहाओ धो, आसन लगाओ, हैं किस तरह से किस आसन पर बैठना चाहिए, ये तो वैरायटी तो इसमें बहुत है। लेकिन हम साधारण रूप से क्या उल्टा नाम जपा दिन राति वाल्मीकि भय ब्रह्म समाधि, वाल्मीकि जैसे चुरु बमार आदमी ब्रह्म के देवता बन गए, ब्रह्म इष्ट महर्षि बन गए। तो भगवान की भक्ति और सेवा साधारण रूप में हम ज़्यादा नहीं, सबसे पहली बात है अपने आचरण में परिवर्तन होना, हनुमान जी की सेवा के लिए अपने आप को स्वच्छ रखना, उनकी पूजा करने में घर में अगर जो हनुमान जी का भक्त है तो ग्रस्त मार्ग में थोड़ा इस परहेज रखें, अगर आप व्रत कर रहे हैं ग्रस्त मार्ग से दूर रखें थोड़ा है? और सुबह सुबह से हम भगवान का पाठ करें हनुमान चालीसा का साधारण पूजा में, और बड़ी पूजा में और दूसरी बात हनुमान अष्टक है अच्छा। हाँ उसका पाठ करें चालीसा के साथ, उसमें कष्ट निवारण का बहुत बड़ा तंत्र है, समझे न। तो इसलिए पूजा तो बड़ी भी है छोटी भी है। दूसरी पूजा ये है कि कुछ मंगल को व्रत करें, इनके व्रत में सिर्फ बेसन का मीठा भोजन दिया जाता है, नमक को नमक कोई नहीं चलता, आटा कोई नहीं चलता, फल ले लो, फल में लाल सेब है अनार है, इन फल को ले लो है, ये इनका व्रत है। व्रत करती हो तो कम से कम 21, वैसे इनके 40 व्रत हैं बाबा के, 40 व्रत में 40 होता है, इसलिए हनुमान 40 चलता है। अतुलित बल धामम हेम सेला पदेयम धनुज मन किसानम ज्ञान नाम ग्रहणम सकल गुण निधानम बानराणाम उदीसम रघुपत प्रिय भक्तम बात जातम नमामि ओष्पति बारी समस की कृपराक्षसम रामायण महामाला रत्नम वंदे नीलायतम। तो भैया मेरे वास्तव में कोई भक्त विभोर होकर के भक्ति में आकर के ही इनकी महिमा का वर्णन कर सकता है, साधारण आदमी ड्रामेबाज बिल्कुल नहीं कर सकता। आप सोच सकते हैं कि हम कितने विरक्त हैं, कितने उससे रहते हैं, और सुनिए इनकी सेवा से इनके प्रभाव से हम 83 के हो रहे हैं अब है? और हृष्ट पुष्ट, सुनिए इनकी सेवा की वजह से, मतलब जो साधना होती है, मंत्र जाप करते हैं, भजन करते हैं, पूजा करते हैं, आप सोचिए ये मेरे गुरु महाराज के शब्द ने देखिए 140 के बाद समाधि ली थी अच्छा, यही महाराज इनके ही पैर छूते थे, चरणों में बैठते थे ग्वालियर महाराज ये, हाँ ग्वालियर महाराज इनके चरणों में। और सुनिए चांदी के वहां मंदिर पे आप जाओ ग्वालियर के पास, चांदी के गेट लगे, चांदी के 5 चांदी के खंभे लगे हैं गेट माता के अंदर, गांव के सोने के बुर्ज बने हुए हैं इनके उन महाराज सिंधिया के आज भी मौजूद हैं। महाराज सिंधिया निसंतान थे हैं, इनके आशीर्वाद से उनको जो अब ज्योतिरादित्य है ना इसके ग्रैंड फादर के पिताजी अच्छा 1850 के बाद का बात है, तब ये आए थे प्रार्थना, ये निसंतानों को वर देते थे, फल देते थे उनको 50-55 की उम्र में महाराज सिंधिया का खानदान चला। और ये कहा कि जा, ये इनके शब्द, इन्होंने ही मेरे से कहा कि जा तू मेरी तरह पूजेगा, इनके ही शब्द हैं बाबा, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, जिंदगी मेरी हो गई सत्य पे चलते, सत्येन धारते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वायु वायुस, सत्येन सर्वत्र तिष्ठति, सत्य का ही वास है सृष्टि रचना में, सत्य का ही वास है। और सत्य में आखिरी श्लोक में गीता में क्या कहा है, यत्र योगेश्वरा कृष्णो यत्र पार्थो धनुराज, वह भगवान है, यहाँ सत्य है धर्म है वह विजय श्री है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। और सुनिए सत्य की कभी हार नहीं हुई और सत्य की कहीं जीत नहीं हुई, चाहे वो रावण हो, कुंभकर्ण हो या कोई और हो, आप देखो इतिहास देखो और आज भी देखो जो असत्य थे। एक और बात मैं आपको कहता हूँ, अन्यायो पार्जनम द्रव्यम, अन्याय अत्याचार के द्वारा अन्यायो पार्जनम द्रव्यम 10 तिष्ठति एकादशो समूले विनश्यति, अत्याचार हमें 60 हो गए हमें कोई चैलेंज नहीं कर सका, क्यों कि हम सत्य का, इन गुरु महाराज ने पहले ही बताया था कि सत्य में स्वयं परमात्मा का वास होता है, इसलिए सत्य का वर्णन है, सत्य मत छोड़े सूरमा, सत्य छोड़े पत जाए, सत्य की बांधी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए, समझे ना, सत्य की बांधी राजा हरिचंद्र।
तो वो लोग अब कम होते जा रहे हैं क्योंकि कलयुग है। आप मेरी बातों को सुनना, मेरे को 60 साल हो गए, मैं तमाम वेद शास्त्रों का कीड़ा हो चुका हूँ पढ़ते पढ़ते। अब इस उम्र में मैं बताऊंगा आपको, कहीं की कोई बात हो लेकिन मैं आपको अच्छी अच्छी बातें बताऊंगा। जी 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 ने? अच्छा पंडित जी, ये बताइए, आप तो हनुमान जी के परम उपासक हैं, आपको ये अपना अनुभव बताना चाहेंगे जहाँ आपने देखा हो कि अरे ये तो हनुमान जी की साक्षात कृपा हुई है। मैं आज से कम 20-21 साल पहले, अच्छा 20-25 साल पहले यहाँ बाबा की सेवा में करता हूँ, मुझे बहुत अनुभव है और मुझे तो साक्षात दिख जाते हैं सपने में, और मैं बड़ा रम जाता हूँ। मंगल को आपके देखें मुझे भूल जाता हूँ अपने आप को। मैं यहाँ से मंदिर, मंगल का दिन मंदिर बंद करके करीब 12-1 बजे मंदिर रात को बंद होता है मंगल को, तो यहाँ से पैदल अपने जा रहा था, यमुना बिहार में मेरा 40 गज का मकान है, वहाँ पैदल जा रहा था। कोई गाँव के 2 आदमी आ गए थे मेरे से मिलने के लिए, तो वो हमारे साथ चल रहे। मैं उस रोड पे, पटरी है ना, वो आदमी पटरी पे चल रहे, मैं रोड पे चल रहा था नीचे, बात कोई ट्रैफिक नहीं था। ये जो पुल है ना, फ्रा पुल के नीचे जो नाला है आगे, हाँ, यहाँ एक एम्बेसडर गाड़ी ने मेरे को टक्कर दी, उन्होंने टक्कर मारी, खूब आवाज हुई, मैंने पीछे देखा कि मेरे को कोई चोट नहीं लगी, न मेरे को मालूम हुआ कि टक्कर, और आवाज इतनी जोर की आई जैसे किसी पहाड़ से चट्टान से टकराए हैं वो गाड़ी। और सुनना, आदमी लोहा मरेगा के आदमी मरेगा, मेरे को मरना चाहिए। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो कार आवाज आई ना, कार कार का जो बोनट होता है ना ऊपर का, उसका ढक्कन सा, वो उठ के पड़ा और वो मुड़ गया, समझ लो थोड़ा पिचक गया अंदर को। आदमी के टकराने से कार का बोनट पिचक नहीं सकता, नहीं बिल्कुल, मतलब मैंने वहां दंडवत किया, बैठा, बार बार प्रणाम किया, और वो ड्राइवर जो है चालक शराब पी रखा था, वो गाली दे रहा था, मैं भाई बात सुन ले, चलो हम रोड पे चल रहे हैं लेकिन पूरा रोड खाली है, तो किनारी से क्यों आया, लेकिन वो नहीं मानता। मतलब बाबा की यह कृपा थी कि स्वयं बाबा बीच में आ गए, हम यहाँ से जा रहे थे ना वास्तव में, और हमको बचा लिया। वो लोगों ने जाके गांवों ने कहा, जो तो हमारे साथ गांव के आए थे ना, उन्होंने गांव का भैया, वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। जी जी, अच्छा पंडित जी एक और जानना चाहेंगे, बहुत लोग किसी उद्देश्य के तहत पूजा करना चाहते हैं, मनोरथ है किसी का, किसी की कुछ कामना है, किसी का कुछ काम अटका पड़ा है, कोई परेशानी में है, संकट में है, वो हनुमान जी की किस प्रकार से आराधना करें ये भी जरा बता दें। आराधना तो देखिए, हमारे गुरु महाराज तो ये कहते थे कि भगवान की आराधना तो भगवान हमारे साथ हर जगह होते हैं, और हम कहीं सफर में भी हैं, अगर आराधना वाले हैं तो हम कुंडे में चुपचाप बैठ के अपने मन में भगवान को याद कर सकते हैं। हमारे गुरु महाराज तो ये कहते थे कि तुम ऐसी जगह फंस गए कि बस शमशान घाट में, दाह संस्कार में, पर रिश्तेदार है, परिवार है, वो निकल नहीं सकते, तो वहाँ भी हम भगवान को याद कर सकते हैं। जहाँ तक कष्टों का सवाल है, सकर्मणा, ये आदमी स्वयं अपने कर्मों से ही कष्टों को इकट्ठा करता है और अपने कर्मों से ही निवृत्त करता है। भगवान की सेवा में लगना, उनकी पूजा में करना, नित्य प्रति अपने जीवन को संयमित करना कि 4 बजे उठना, ब्रह्म मुहूर्त में जगना, नहाना धोना, पूजा करना, मैं 2-3 घंटे अभी भी 3-4 घंटे लगाता हूँ, मुझे तो कुछ नहीं होता भाई। जहाँ अज्ञानी है, जहाँ ज्ञान की कोई परिभाषा नहीं, परमात्मा को बिल्कुल नहीं जानते, बाबा कहते थे कि उस जगह हमें कथा करना, प्रचार करना परमात्मा का बहुत जरूरी है। जहाँ तक भक्ति का सवाल है, कष्टों का सवाल है, तो भक्ति और सेवा से, भज शब्द से भक्ति सेवा बनी है, जपात सिद्धिम ऋग्वेद के अंदर है, जपते जपते सिद्धि सिद्ध बन जाते हैं, हम यहाँ बैठे बैठे महंत कहलाए। तो भैया थोड़ी बहुत भी पूजा तो करो, कम से कम आप काम पे जाते हैं सुबह शाम भगवान को नमस्कार करके जाएं कि बाबा मैं जा रहा हूँ, शाम को आते ही फिर हाथ नमन करें, घर में कहीं थोड़ी सी जगह परमात्मा के लिए जाएं। वैसे मेरा अनुभव तो ये है कि यथा प्रवृत्ति भूतानाम एन सर्वम विदानो स्वकर्म, अपने कर्मों से ही आदमी सुख और सुख भोगता है, कि जो हम साधना करते हैं, जो हम पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, यही भक्ति का एक रास्ता है।
और वैसे भी जो हनुमान जी की शरण में है, संकट कटे मिटे सब पीड़ा, ओ सुमिरे हनुमत बलबीरा। जी तो बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी आपका, बहुत अच्छे आपने काफी अच्छी जानकारी हनुमान जी के बारे में दी, महिमा बताई, और हम समझते हैं कि आपके द्वारा दी गई जानकारी अंजनी पुत्र हैं ये। जी जी भक्तों के हृदय में प्रेम बढ़ाने वाली साबित होगी। हनुमान जी का प्रसाद ये हम लड्डू बेसन बनाते हैं। जय श्री हमारा एक और बात है, कि ये प्रसाद हमारे यहाँ बनता है जो दिल्ली में नहीं इंडिया में कहीं नहीं मिलेगा। भगवान के भोग का प्रसाद है, बेसन के लड्डू प्योर, बादाम काजू पड़े हुए, दिल्ली में कोई नहीं देता, बहुत सस्ते रेट पर। अच्छा तो ये आपके प्रसाद के लिए। जय सियाराम, जय सियाराम, जय हनुमान जी।